क्वार्टर न्यूमेरिकल देखते हैं। चांदी की एक तार में 90 कूलाम आवेश से 1 घंटा 15 मिनट में बह रहा। तार में बहने वाली वैद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात कीजिए। देखेंगे यहाँ पे 90 कूलाम, ये क्या दिया है, आवेश दिया है 90 कूलाम। ठीक है, आवेश तो मान होता ही कूलाम में ही है। 1 घंटा 15 मिनट यानी समय कितना दिया है, 1 घंटा और 15 मिनट, और समय लिया जाता है काहे में, सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और ये 10 75 75 मिनट हो गए, और हमको इनको बदलना है सेकंड में। तो 75 × 60 सेकंड, तो 0 × 6 5 30 6 7 42 3 4500 सेकंड हो गया। अब यहाँ मुझे निकालनी है धारा I बराबर क्यू बटे टी, क्यू का मान 90 कूलाम और टी का मान 4500 सेकंड। तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 3 3 9 15 3 45 3 1 3 3 5 15, डायरेक्ट भी काट सकते थे 9 5 45, तो कितना आया है 1/50 सेकंड। 1/50 सेकंड का मतलब जो हम भाग करेंगे 50 से 1 को, तो दसमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 0 बढ़ाएंगे, तो 50 × 100, तो 0.02 सेकंड जो है एम्पियर आएगा यहाँ पे, कूलाम बटे सेकंड मात्रक, या फिर यहाँ पे एम्पियर कर लेंगे, यहाँ पे जो है एम्पियर में आएगा, तो AMP लिखेंगे। ठीक, तो 0.2 यहाँ पे आ चुका है, इसे नहीं ध्यान देंगे, ये 0.2 आ गया है, एम्पियर में आएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट सवालों के साथ नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।